आपको इस वीडियो में आपको कुछ इस तरह की प्रोफेशनल अकाउंट बनाना बताऊंगा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज आपके साथ यह शेयर करने वाला हूँ, अगर आप भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट बनाना चाहते हो तो आज की इस वीडियो में आपको इंस्टाग्राम अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट बनाना बताऊंगा। सो गाइस, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो गाइस, हम आ गए हैं अपने अकाउंट पे आ जाने का। अगर आपको अपने अकाउंट प्रोफेशनल बनाना है तो आपको जो स्टेप मैं बता रहा हूँ आपको वही स्टेप फॉलो कर लेना है। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना। सो गाइस, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, अपने अकाउंट पे आने का आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना। थ्री डॉट पे क्लिक करने का आपको यहाँ पे सबसे ऊपर सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा। सेटिंग के ऑप्शन पे आपको जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा। अकाउंट पे ऑप्शन जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ से आपको सबसे नीचे दिख जाएगा ऐड न्यू प्रोफेशनल अकाउंट, उसके बाद स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। आपको इसी भी स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट पे इसी भी आपको क्लिक करना। क्लिक करने का आपको जो जो स्टेप कहेगा उसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना। कंफर्म करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ से आपको बहुत सारी कैटेगरी दिख जाएगी। जिस भी कैटेगरी आप अपने अकाउंट को प्रोफेशनल बनाना चाहते हो तो उस कैटेगरी को आपको चूज कर लेना। जैसे यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी है, यहाँ पे ब्लॉगर है, आर्टिस्ट है, उसके बाद यहाँ पे वीडियो क्रिएटर है। हम यहाँ पे वीडियो क्रिएटर चूज कर लेते हैं। वीडियो क्रिएटर चूज करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 30 सेकंड का वेट करने को मिलेगा। आप जैसे ही 30 सेकंड वेट करोगे, वेट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिख जाएगा। आपको यहाँ से क्रिएटर दिख जाएगा, उसका आपको यहाँ पे बिजनेस दिख जाएगा। अगर आप बिजनेस चूज़ करते हो, जैसे आप कोई ऑनलाइन वर्किंग करते हो तो उससे आप बिजनेस चूज कर सकते हो। तो हम यहाँ पे क्रिएटर चूज कर लेते हैं। क्रिएटर चूज करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको ये मांग रहा है तो यहाँ पे हम नो कर देते हैं। नो करने के बाद आपको जो जो स्टेप मांग रहा है उस स्टेप को आपको फॉलो कर लेना है। उसी इसी स्टेप को आप फॉलो करोगे तो यहाँ से आपको डायरेक्ट कॉन्ग्रेचुलेसन बोलेगा। तुरंत इसी से हम सही पे क्लिक देते हैं। सही पे क्लिक हो गया तो ये मेरा कन्फर्म हो गया। यहाँ पे आपको 2-3 ID को फॉलो कर लेनी है। यहाँ से आपको फॉलो करने को मांगा, 2-3 ID को यहाँ पे फॉलो कर लेते हैं। फॉलो करने का डन कर देते हैं। ये भी मेरा कंफर्म हो गया। उसका तीनों स्टेप मेरे कंफर्म हो गए। उसके बाद हम कट आ जाते हैं। कट आने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं मेरे अकाउंट जो कि प्रोफेशनल अकाउंट बन चुका है। तो इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो आपकी स्टोरी पर कितने पोस्ट मिले हैं या आपकी स्टोरी को कितने फॉलोअर्स देखे हैं, कितने अनफॉलोअर्स देखे हैं। तो आप कुछ सब कुछ इसी से देख सकते हो। आपके ऐसे प्रोफेशनल अकाउंट बन जाएगा तो इससे आप पूरी हिस्ट्री को देख सकते हो। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगे। आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो गाइस, ऐसा ही अपने अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में आप कन्वर्ट कर सकते हो। सो गाइस, आप हमें इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही।